हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? और रिवीजन वगैरह चल रहा है? नहीं चल रहा है? काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा है और पार्ट 29 है। ठीक है, मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार बताते रहूँगा। कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं वीडियो बनाने के लिए, उसमें इतने से क्वेश्चन होंगे कि उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन होंगे कि करते करते थक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 23 पढ़ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। और पार्ट कितना चल रहा है? 29 चल रहा है। चलिए देखते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ इट्स टेन ईच, इश्यूड एट 20% प्रीमियम। देखिए, एक कंपनी है, 100 शेयर्स है, 100 शेयर को फॉरफिट करें, सॉरी 100 शेयर को क्या करें, फॉरफिट करें, होगा तो ज्यादा, 100 शेयर को फॉरफिट करें और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 है, इश्यूड एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम बोल रहा है, परसेंटेज जब दिया रहता है ना, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू पे से मतलब क्या हुआ, ₹2 आ चुका, क्यों, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ आपको पेमेंट करनी है। ऑन व्हिच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ थ्री वाज नॉट येट रिसीव, बोल रहा है कि जो ₹3 है फाइनल कॉल का, वो आपको मिला नहीं है, ये बोल रहा है, आपको नहीं मतलब कंपनी ने रिसीव नहीं किया। द फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2 इज नॉट येट कॉल्ड, और जो फाइनल कॉल है ₹2 है ना, उसको अभी कॉल नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने कितना कॉल किया, ₹8 कॉल किया, क्योंकि ₹10 का शेयर है, राइट है, ₹2 कॉल नहीं किया तो ₹8 कॉल किया, तो जितना कॉल करता है कैपिटल उतने से ही क्या हुआ, डेबिट होगा, तो ₹8 से कैपिटल क्या हुआ, डेबिट होगा। अब फिर बोला ₹8 में, राइट है, बोला ₹3 नहीं आया, ₹8 में से ₹3 नहीं आया तो कितना आया, ₹5 आया, ₹5 आ गया, ये बोल रहा है, क्लियर है, ओके। तो जितना पैसा आता है प्रीमियम मनी पे छोड़ करके, वैसे तो पैसा टोटल आया ₹7, ₹5 आपका क्या हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का और ₹2 प्रीमियम का, एसपीआर का, क्लियर है। तो जो ₹2 एसपीआर है ना, उसको हम अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, फॉरफिट को, फॉरफिट तो करते हैं लेकिन कैंसिल नहीं करते हैं, मतलब उसको वापस नहीं करते हैं, शेयर होल्डर को नहीं देते हैं, राइट है। इसका मतलब कंपनी ने क्या किया, ₹1 में कितना कमा लिया, एक शेयर पे ₹5 कमा लिया, कमाया तो ₹7, लेकिन फॉरफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फॉरफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरफिट में कितना जाएगा, तो वो ₹5 पर शेयर जाएगा, राइट है, और कितना शेयर है, 100 है, तो शेयर फॉरफिट में कितना जाएगा, 500 जाएगा, राइट है, ठीक है। पहले यहां तक देख लेते हैं, फिर करते हैं सॉल्यूशन, देखिए, ठीक है, यहां लिखूंगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट बीआर कितना, देखिए 100 शेयर इंटू जितना कॉल किया तो ₹8 कॉल किया, सम ऑफ कॉल्ड अप मनी तो कितना, 8,000 हो गया, नहीं 800 होगा, 800 होगा, है। और यहाँ पे प्रीमियम मनी आ चुका, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम मनी एसबीआर को डेबिट करके कैंसिल नहीं करना, हाँ यदि नहीं आया होता कहते फिर डेबिट करके कैंसिल करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टू उस कॉल को फिल कीजिए जिस कॉल पे पैसा नहीं आया, तो किस कॉल में पैसा नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 100 शेयर इंटू ₹3 कितना गया, 300 हो गया, राइट है। फिर टू शेयर फॉरफिटेड कितना आएगा, फॉरफिट अकाउंट कितना पैसा आ चुका, प्रीमियम मनी को छोड़ करके ₹5 आ चुका, तो 100 शेयर और एक शेयर पे ₹5 आ चुका तो कितना गया, 500 हो गया, ये लिखा है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड शेयर्स फॉरफिटेड। अब शेयर रिशू करेंगे, तो यहां पे बोले रिशू कितने से करेंगे, बोला कि ₹7 से रिशू पीछे और ₹8 से कैपिटल चुका, एज पीछे एक पेड बोल रहा है, तो जो ये वाली पोर्शन है इतने से कैपिटल बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ₹8 के शेयर को आप ₹7 में बेच रहे हैं, ₹8 शेयर को आप ₹7 में बेच रहे हैं, जितना मतलब ₹1 का क्या रहा है, लॉस रहा है, कैपिटल से यदि कम में बेच रहे हैं तो जितने कम पे बेचे हैं उतना क्या होगा, लॉस माना जाएगा, ठीक है। और फॉरफिट के वक्त में जितना आपने अपने पास रख लिया प्रीमियम मनी को छोड़ करके, वो क्या माना जाएगा, अर्निंग माना जाएगा फॉरफिट के वक्त में,
देखिए कैसे करते, ध्यान से देखिएगा। तो बैंक अकाउंट dr टू शेयर, कैपिटल अकाउंट वन शेयर इंटू रुपी सेवन इंटू 100 शेयर, कितना गया 700 हो गया। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर वन शेयर रुपी वन इंटू 100 शेयर 100। फिर वन शेयर रुपी एट, जितने में कैपिटल बन रहा है 100 शेयर, ये कितना गया 800 हो गया। बींग फॉरफिट शेयर इशू, बींग फॉरफिटेड शेयर, बींग फॉरफिट शेयर री इशूड, ठीक है राइट। अब इसको क्या करती है, प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देते। देखिए मैं यहां पे लिखना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व देखिए, यदि 100% रिश्यू कर देते, 100% जितना फॉरफिट किया सारा सारा रिश्यू कर देते, तो कोई पंगा नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों यदि 100% रिश्यू कर देते तो राइट है। लेकिन सपोज कि आपको पर शेयर के हिसाब से लेना, तो देखिए कैसे करनी है। देखो आपने फॉरफिट वक्त में 5 रुपया कमाया, रिश्यू वक्त में 1 रुपया का क्या लॉस किया, कैसे 8 रुपया का कैपिटल 7 में बेचा, 1 रुपया का लॉस हो गया। ये फॉरफिट वक्त में कमाया एसक्यूआर को छोड़ करके, तो नेट जो कमाई आपकी हुई, नेट कमाई क्या हो गई 4 रुपीज हो गया, ठीक है। और ये 4 रुपीज हो गया कमाई, नेट कमाई, कितना नेट कमाई 4 रुपीज हो गया। और जितने शेयर को क्या कर रहे हैं, रिश्यू कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना शेयर रिश्यू कर रहे हैं 100 शेयर्स, तो कितना हो गया आपका 400, ये नेट कमाई हो गई। अब यहां भी देखिए, यहां भी आ रहा है 500 माइनस 100 400 आ गया। बीइंग प्रॉफिट ऑन इश्यू शेयर, बीइंग प्रॉफिट ऑन इश्यू शेयर, बीइंग प्रॉफिट ऑन इश्यू शेयर, बिग प्रॉफिट ऑन इश्यू शेयर इज ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये लीजिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, मैं काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज्यादा जानकारी करती है कहीं की, ठीक है। इतने तो बुक में भी नहीं होते हैं वन बाय वन करके।